हेलो स्टूडेंट्स, मैंने क्लास 7 के बच्चों के लिए सभी चैप्टर के वीडियो की प्लेलिस्ट बनाई है। आप इस प्लेलिस्ट से सभी चैप्टर के वीडियो देख सकते हैं। आज इस वीडियो में आप चैप्टर 4 द पीकॉक आवर नेशनल बर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हैव यू एवर हर्ड बर्ड्स चिरपिंग एंड ट्विटरिंग, इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि क्या कभी आपने पक्षी को चहचहाते हुए सुना है। कैन यू नेम सम बर्ड हुज चिरपिंग एंड ट्विटरिंग यू मे हैव लाइक्ड, क्या तुम उन पक्षी के नाम बता सकते हो जिसके चहचहाना आपको पसंद है। विच बर्ड डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई, किस पक्षी को आप ज़्यादा पसंद करते हैं और क्यों। अब चलिए चैप्टर को आगे पढ़ते हैं। टीचर, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, शिक्षक बोलते हैं सुप्रभात बच्चों। स्टूडेंट स्टैंडिंग, खड़े होकर बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, सुप्रभात सर। टीचर, शो देम अ पिक्चर ऑफ पीकॉक एंड आस्क कैन यू टेल द नेम ऑफ बर्ड्स, शिक्षक बोलते हैं तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए क्या तुम इस पक्षी का नाम बता सकते हो। स्टूडेंट्स, यस सर इट इज अ पीकॉक, छात्र बोलते हैं जी सर यह मोर है। टीचर, वेल डन, शिक्षक बोलते हैं बहुत बढ़िया। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर नेशनल बर्ड द पीकॉक, आज हम लोग हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में बात करेंगे। देर आर वेरियस स्पीसीज ऑफ पीकॉक, मोर के कई प्रजाति होते हैं। यू नो इन इंडिया ओनली द ब्लू पीकॉक इज फाउंड, तुम जानते हो कि भारत में केवल नीले मोर पाए जाते हैं। हैज एनी वन ऑफ यू सीन इट, क्या किसी ने देखा है। रूबी, यस सर आई हैव सीन इट इन द पटना जू, रूबी कहती है जी सर मैंने देखा है, मैंने पटना जू में देखा है। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। टीचर, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, शिक्षक बोलते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, यह बहुत ही आकर्षक लगता है। इट्स फेदर्स आर मल्टी कलर्ड एंड इट्स लार्ज ओवल बॉडी इज ब्राइट एंड कलरफुल, इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं और इसका बड़ा अंडाकार शरीर चमकीला और रंग बिरंगा होता है। इट हैज़ ए स्मॉल हेड एंड अ स्लेंडर नेक, इसके पास एक छोटा सिर और पतली गर्दन होती है। अ मेल पीकॉक इज मोर कलरफुल देन अ फीमेल वन पीहेन, एक नर मोर ज़्यादा रंग बिरंगा होता है एक मादा मोर की अपेक्षा। इट्स प्लम्स आर मैचलेस इन ब्यूटी एंड आर यूज फॉर डेकोरेशन, इसके पंख सुंदरता के मामले में अतुलनीय है, मतलब तुलना से नहीं किया जा सकता। एंड आर यूज फॉर डेकोरेशन, और सजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभिषेक, सर आई हैव हर्ड डैट पीकॉक ईट्स अप इवन अ स्नैक, अभिषेक कहता है सर मैंने सुना है कि मोर सांप तक को खा जाता है। टीचर, यस यू आर राइट, शिक्षक बोलते हैं हाँ तुम सच कह रहे हो। इट इट्स नॉट ओनली स्नैक बट ऑल्सो प्लांट सीड फ्रूट इंसेक्ट्स, यह न केवल सांप को बल्कि पौधा बीज फल और कीड़े मकोड़ों को भी खाता है। इट डेवर्स फ्रॉग एंड लिजार्ड एज वेल, यह मेढक और छिपकली को भी खाता है। इमरान, सर इन माई विलेज आई हैव सीन द डांस ऑफ मोर एंड मोरनी इन अ मैरिज सेरेमनी, सर मेरे गांव में मैंने शादी के समारोह में मोर मोरनी का नृत्य देखा है। टीचर नोडेड, सिर को हाँ में हिलाते हैं। वेल इन मैरिज सेरेमनीज टू पर्सन डांस इन अ गूज ऑफ ए पीकॉक एंड अ पीहेन, विवाह समारोह में दो व्यक्ति मोर और मोरनी के वेश में नृत्य करते हैं। बट इन रियलिटी द पीकॉक डांस मोस्टली इन रेनी सीजन, लेकिन असल जिंदगी में मोर अधिकतर बरसात के मौसम में नृत्य करते हैं। वेन द स्काई इज ओवरकास्ट विथ क्लाउड
द पिकॉक डांस विथ डिलाइट स्प्रेडिंग इट्स फेदर। जब आसमान में बादल छा जाते हैं, मोर खुशी से नाचने लगता है और अपने पूरे पंख को फैला लेता है। हैज एनीवन सीन अ पीकॉक विदाउट फेदर? क्या किसी ने मोर को बिना पंख के देखा है? स्टूडेंट, नो सर। नहीं सर। द बेल रिंग्स। इतने में क्लास की घंटी बजती है। स्टूडेंट, थैंक यू सर। धन्यवाद सर। टीचर, डैट्स राइट। शिक्षक, ठीक है। आज का चैप्टर आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, किसी की हेल्प हो जाएगी। और अगले चैप्टर का वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर देखें। तब तक के लिए गुड बाय।